पूर्वा में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। चुनाव में सुर्खियों में रहे डॉक्टर शकील सपा जिला उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य ने सपा पार्टी और जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा जिला अध्यक्ष को सौंप दिया। डॉक्टर शकील ने सपा के पूर्व विधायक उदय राज यादव पर लगाए गंभीर आरोप। डॉक्टर शकील ने भाजपा विधायक अनिल सिंह को बताया अपना छोटा भाई। डॉक्टर शकील ने कहा क्षेत्र में गलत चर्चाएं हैं, छोटे भाई विधायक अनिल सिंह ने किसी भी प्रकार की कार्य वाही मेरे ऊपर नहीं कराई है। हॉस्पिटल पर मुकदमा सपा शासन में विधायक रहे उदय राज यादव ने करवाया था। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसकी वजह क्या है? आज मैं जिला उपाध्यक्ष और पार्टी सपा पार्टी से मैं इस्तीफा दे दिया हूँ। कोई वजह? वजह इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई पदाधिकारी मिलने नहीं आया, किसी ने मुझसे फ़ोन नहीं किया। बताइए, ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई सहानुभूति नहीं, तो ऐसी पार्टी में रहना बिल्कुल बेकार है। डॉक्टर साहब, ये जो आपका जो नर्सिंग होम अवैध जमीन पर बना हुआ था और जो सरकार द्वारा उसको ध्वस्त किया गया, बुलडोजर चला, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय उदयराज जी विधायक थे और उन्होंने 115D का मुकदमा करवाया। आज उसी की देन है और आप लोग लगाया जा रहा है माननीय हमारे छोटे भाई अनिल सिंह जी पे, ये बिल्कुल गलत है। इनका कोई लेना देना नहीं हमारे विधायक जी से। और ये जो आज ये हुआ है, हॉस्टल गिराया गया है, ये समाज वादी पार्टी की देन है। क्या लगता है कि जिस प्रकार आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या शामिल होना चाहेंगे? अगर हमें मौका दिया गया तो मैं जरूर शामिल होऊंगा और मैं छोटे भाई विधायक जी से, अनिल जी से मैं मुलाकात भी करूंगा, समय भी लूंगा और उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा। इस समय अनिल सिंह आपका बहुत विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं, घर में भाई हैं, घर पे लड़ाई होती है, भाई भाइयों से लड़ाई होती है, आज विरोध होता है कल फिर मिल जाते हैं। अभी तक क्या अनिल सिंह से किसी भी तरह की बात हुई? अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन अब बात होगी हमारी विधायक जी से, हमें पूर्ण विश्वास है। मैं बात